रेट मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। अप्रैल लास्ट में रिजल्ट घोषित होने की बातें थी, लेकिन इसी बीच एक और नया विवाद सामने आ जाता है। राजस्थानी भाषा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रेट मुख्य परीक्षा में, उनको लेकर यहां पर विवाद सामने आता है और हाईकोर्ट ने यहां पर कंप्लीटली जवाब मांगा है अधीनस्थ बोर्ड से। अब आपके इसमें राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन आखिरकार क्यों पूछे गए, बोनस और डिलेट संबंधी क्या संभावना है, मेरिट पर कितना असर रहने वाला है, राजस्थानी भाषा में प्रश्न क्यों पूछे गए और यहाँ पर किस प्रकार की क्या आगे की क्या संभावनाएं बन सकती है, वो सारे जितने भी जो बातें हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर लगातार यूँ ही लेटेस्ट एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट्स मैं लगातार देता रहता हूँ। तो अब हम बात करते हैं रेट मुख्य परीक्षा को लेकर अब तक की क्या स्थितियाँ बनी कंप्लीटली साथियों, आंसर की जारी की गई और बहुत सारी बातें थी। राजस्थानी भाषा के जो क्वेश्चंस थे जिस दिन एग्जाम्स हुआ उसके बाद से लगातार इसको लेकर जो दूसरे जो अदर क्षेत्र हैं, जो मारवाड़ के अलावा जो मारवाड़ टुंडर के अलावा जो अदर क्षेत्र हैं उन पर लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा था और उसी बाद ये बार लगभग आखिरकार पहुंच जाती है हाईकोर्ट तक। तो यहाँ हाईकोर्ट ने जो कंप्लीटली यहाँ पर जो अधीनस्थ बोर्ड से जवाब मांगा है कि यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड से कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं तो सवाल क्यों आए, तो यहाँ पर ये सारी बातें कंप्लीटली बनी और राजस्थानी भाषा के सवालों पर आपत्ति जताई। यहाँ पर कंप्लीटली लेवल टू के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर हाईकोर्ट जाते हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से बताया जाता है कि जो 8 क्वेश्चंस जो लेवल 2 में पूछे गए, लेवल 1 में भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उसको लेकर तो हाईकोर्ट ने यहां पर कंप्लीटली अधीनस्थ बोर्ड से जवाब मांगा है। और अधीनस्थ बोर्ड के अगर स्टैंड ऑफ व्यू की बात करें तो तृतीय श्रेणी सिलेक्शन में राजस्थानी भाषा दी गई थी, सिलेबस से ही सवाल पूछे गए, जो भी आपत्ति आई है उस पर एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया, कमेटी ही निर्णय लेगी। यहां पर हरिप्रसाद शर्मा का यहां पर इस प्रकार से ये स्टैंड व्यू रहता है। अब हम बात करते हैं जो हाईकोर्ट में जो यहां पर कंप्लीटली जो बातें कही गई और यहां पर ये जो बातें बन रही है कि कुल मिलाकर ये स्थिति और ये विवाद बना तो बना क्यों। आप ये साइट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगा है, जो पिटिशनर की तरफ से दाखिल किया गया और उसमें जो जवाब मांगा है उसमें जो पॉइंट्स जो लिखे हुए उसको अगर हम देखते हैं तो कंप्लीटली बात यहां पर यही कही गई है कि आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा है नहीं, उसके बाद भी हिंदी और इंग्लिश प्रश्न पत्र का माध्यम भाषा थी, उसके अलावा राजस्थानी भाषा में क्वेश्चंस क्यों दिए गए। यहाँ पर मतलब आपको ये बात थी कि इन क्वेश्चंस को दूसरी भाषा में भी दिया जाना चाहिए था, तभी जो दूसरे क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनको समझ सकते और उन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते। मारवाड़ और ढूंढाड़ के अलावा जो भी क्षेत्र थे, चाहे वो ब्रज हो गया, चाहे मेवाड़ हो गया, चाहे वागड़ हो गया, चाहे हाड़ौती हो गया, उन क्षेत्र के कैंडिडेट्स को सीधा सीधा रेस से बाहर करने का ये कई प्रकार सी बातें दोनों पक्षों की तरफ से इस प्रकार से ही कुछ बातें कही जा रही है। तो बात अगर हम देखते हैं तो कंप्लीटली साथियों जो प्रश्न पत्र के माध्यम की अगर हम बात करें या फिर राजस्थानी भाषा के शामिल होने की बात करें तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा शामिल है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कतई कि आप बिल्कुल ही राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन देते, क्योंकि हमारे राजस्थान की राजस्थानी पर हमें भी गौरव है, हमारी अपनी मायड़ भाषा है, सभी को गौरव होगा। ऐसा कोई नहीं है कि मायड़ भाषा ऐसा नहीं है, चाहे वो हमें आती ना हो किसी और क्षेत्र के लोगों को, चाहे मारवाड़ के अलावा, क्योंकि मारवाड़ की एक अपनी जो भाषा में एक मिठास है, जो एक मायड़ में जो अपनत्व भाव है वो सभी महसूस कर पाते हैं और सभी उसको अच्छा भी लगता है। वो एक अपने राज्य के प्रांत की भाषा के रूप में एक अपनत्व अलग चीज होती है, लेकिन आप एग्जाम के माध्यम में अगर उसको लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रकार की जो हमारे राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर जो बातें चल रही है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि खुद के स्टेट में ही इस प्रकार से मांगे उठेगी। अब जैसे आप देख लीजिए जो मारवाड़ी भाषा है जो यहाँ पर हमारे मारवाड़ में है और ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज वालों को मारवाड़ी का बिल्कुल आप मतलब क्वेश्चंस दे रहे हैं तो उन शब्दों को वो नहीं पकड़ पाते, हाड़ौती वाले नहीं पकड़ पाते, मेवाड़ और वागड़ वाले नहीं पकड़ पाते। क्या ये क्षेत्र राजस्थान में नहीं आते, ये राजस्थान में आते हैं, वो भी आपका राजस्थान स्टेट। ये हमारे राजस्थान की एक बदकिस्मती है, हमारे राजस्थान की एक रूपता किसी भी स्थानीय भाषा से नहीं बन पा रही है, ये हमें बिल्कुल ही स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने मारवाड़ के क्षेत्र में राजस्थान है तो केवल और केवल हम राजस्थानी को लेकर ही हम बात करें, इतना भी हमें सीरियसली अपने दिलों की भावनाओं को लेकर नहीं हो जाना है, क्योंकि ये जो मामला है कम्प्लीटली जो अदर क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हितों पर कुठाराघात है, उनको कहीं ना कहीं रेस से बाहर कर रहा है, क्योंकि आप एक अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन दे रहे हो, वो जो कैंडिडेट्स है वो अपना 100% एफर्ट लगा के उन क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर आप कैसे मतलब मान सकते हैं। क्योंकि जो ब्रज क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो दूसरे क्षेत्र जो है उनको मारवाड़ी कहीं ना कहीं नहीं आती है और नहीं आती नहीं, बिल्कुल ये सत्य बात है। ऐसा नहीं है वो राजस्थान के कैंडिडेट्स नहीं, राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन फिर भी उनका मारवाड़ी से कहीं कोई नहीं है, क्योंकि राजस्थान में हर कोर्स पर 4 कोर्स पर भाषा बदल जाने की हमारी पुरानी कविता रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया जी की और उनकी, तो ये बातें बिल्कुल तरसंगत बैठती है। स्थानीय भाषा में हमारी राजस्थान की ये बदकिस्मती है, हम एक रूपता में नहीं है और आप इसको जबरदस्ती किसी पर थोप भी नहीं सकते। बिल्कुल बात यही है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी एकमात्र है जो हमें पूरे स्टेट को एक रूपता में लाती है और जो क्वेश्चन का माध्यम है, जो एग्जाम के लेवल तक की जो माध्यम है, वो वहां पर आपको राजस्थानी से कहीं ना कहीं बचना होगा, तभी भविष्य में ये और आपको ये विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ जो सारी बातें थी कंप्लीटली, और साथियों ये अदर क्षेत्र के कैंडिडेट्स की है क्वेरीज है, क्योंकि 8-8 क्वेश्चंस आपने डाल दिए लेवल 2 में, लेवल 1 में अच्छे खासे क्वेश्चंस है, मेरिट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब यहां पर अगर इनकी कमेटी जो निर्णय करेगी,
हालांकि मैं जो क्लियरली मैं अगर बता दूं कि इसमें हालांकि इनको डिलीट होने की संभावना बहुत कम है, और बोनस का कोई ऐसा अधीनस्थ बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, ये क्वेश्चंस होंगे तो डिलीट होंगे और सबका जो मार्क्स वेटेज है वो दूसरे जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उनमें इक्वल बट जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के नियमानुसार। तो ये सारे जो बोनस वगैरह मिल जाएगा ऐसी बातें आप दिमाग में ना लाइए, ये कुल मिलाकर डिलीट होंगे तो सबका जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो बढ़ जाएगा, बाकी साथियों चांसेस बहुत कम ही है। हालांकि गवर्नमेंट से इसको राजस्थानी भाषा एवं साहित्य जो कंप्लीटली टॉपिक दे रखा है उस अकॉर्डिंग वो लगभग इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट में, और बाकी हाई कोर्ट ने एक बार जवाब मांगा है, आगे की स्थिति देखिए कुल मिलाकर क्या होता है। लेकिन बात कुल मिलाकर यह है कि बेरोजगार जो कैंडिडेट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट का लगातार इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यह हाई कोर्ट का मामला है और इसका निस्तारण करके ही अधीनस्थ बोर्ड कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, इसको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं रहेगी। तो ये कुछ जो सारी बातें थी राजस्थानी भाषा को लेकर, यह सारी बातें मैंने क्लियर की। आपको कैसा लगा वीडियो और आपका क्या व्यू है इस बारे में जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा। बाकी साथियों और इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट के लिए अपना एजुकेशन जॉब हेल्प लाइन टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।